हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जितिया का नहाए खाए। मैं सुबह में मॉर्निंग में अपने प्लॉट पे जा रही हूँ, मतलब गार्डन में जा रही हूँ। ये मेरे घर से 3 से 4 मिनट की दूरी पर, पहले जैसा मैंने बताया है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूँ, ये मेरे घर से 4 से 5 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में मैं जा रही हूँ और वहाँ से मैं पूजा के लिए थोड़े बहुत फूल लूँगी और उसके बाद आ जाऊँगी, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा काम होता है। आज जितिया के नहाए खाए जिसके यहाँ होता होगा उनको पता होगा, आज सब्जी का बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाया जाता है, जिसमें झिंगली की सब्जी बहुत ज़रूरी है और एक नोनी का साग होता है, वो भी जितिया में खाया जाता है आज के दिन। तो उसके अलावा आप जितना कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में, वहाँ से कुछ फूल लेकर आऊँगी। और गाइस, मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई थी, और उसके बाद मैंने खाने में वहाँ से आने के बाद मैंने साफ़ सफ़ाई की, उसके बाद मैं खाने में लग गई, क्योंकि आज इतना ज़्यादा बनाना होता है। थोड़ा थोड़ा ही बनाओ लेकिन बहुत आइटम होते हैं, तो जिसके कारण मेरे को किचन में मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई। शादी से पहले मम्मी जब करती थी जितिया, मैंने देखा था माई मायके में, उस समय बहुत अच्छा लगता था बचपन में। क्या जब जितिया आता था तो ऐसा लगता था कि आज बहुत कुछ बनेंगे, बहुत कुछ मम्मी लोग बनाती थी, और उस दिन इतना अच्छा लगता था घर में कि ये शायद कोई बहुत बड़ा पर्व है। और ऐसे भी ये हमारा क्षेत्रीय बड़ा पर्व है, और ये पर्व हम लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो मम्मी भी हम लोगों के लिए करती थी। और ये पर्व बच्चों की लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जाता है, तो ये पर्व हम लोग बहुत मन से करते हैं। अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो स्कूल चला गया है, और वो 10:30 बजे आ जाएगा, क्योंकि एक एक पेपर ही चल रहा है। तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना सारे काम निपटा लूँगी। और उसके बाद मैं प्लॉट से आ गई थी, मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया था गार्डन में, और ये मैं डायरेक्ट आपको खाना बनाने के बाद मिल रही हूँ। और ये मैंने जो भी खाना बनाया था वो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, और पकोड़े वगैरह भी बनाए थे, वो मैंने थोड़ी देर बाद बनाए थे, क्योंकि वो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सब्ज़ियाँ सारी थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि हम लोग खाने वाले कोई नहीं, बेटा मेरा कुछ भी नहीं खाता है, और मैं और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ। और उसके बाद ये हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग में ना ये पूजा भीगे कपड़ों गीले कपड़ों से होता है, और ये पूजा खासकर है ना नदी तालाब या गंगा के किनारे किया जाता है। तो हम लोग तो कहीं नहीं जाते हैं, तो घर में ही पूज लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये खुले आसमान के नीचे नदी के किनारे होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, बिल्डिंग में तो ऐसा मिले करे। तो बिल्डिंग के पीछे छोटा सा एक गली सा है, देख भी रहे होंगे कि आप लोगों को शायद लग रहा होगा कितना गंदा है, लेकिन नहीं, मैं हम लोग पानी वहाँ डाल कर मैंने अच्छी तरह धुलाई कर लिया था। कुछ भी इधर नहीं है, इधर वो बाइक वगैरह रखते हैं सभी, तो वो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा धुलाई करके वहीं पर मैं पूजा कर रही हूँ। और इसमें झिंगली का पत्ता पर है ना आम के दतवन रखा जाता है, 5 झिंगली पत्ता और 2 अलग से। तो सब में थोड़े थोड़े अलग अलग नियम है, हम लोग में ऐसे ही नियम है। तो ये गीले कपड़ों में ही पहले पूज लेते हैं, 5 पत्तों में है ना राइट हैंड से करेंगे और 2 पत्तों में उल्टे हाथों से करेंगे। पहले इसमें ये दतवन रखेंगे आम का, और उसके बाद है ना सब में ये तेल है, सरसों का तेल और खल्ली। खल्ली शायद आप लोग समझ रहे हो, ये है ना सरसों का जो छिलका होता है ना, जब सरसों का तेल निकालते हैं तो वो जो छिलका बच जाता है उसी को खल्ली कहा जाता है। तो ये देखिए मैं 2 पत्तों में उल्टे हाथ से कर रही हूँ, तो उसी को है ना इस पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पूजा हो जाएगा, तो फिर मैं फिर से जाके फिर से नहाऊंगी मैं शैम्पू करके, क्योंकि यहाँ तो एक बार पूजा करने के बाद फिर मैं दतवन भी करूँगी, और मैं दतवन आम के दतवन से ही करूँगी। फिर उसके बाद नहा के फिर अपना जो भी है मंदिर में, अपना घर के मंदिर में पूजा करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। और खाना खाने से पहले मैंने जो जो बनाया है सब एक झिंगली के पत्तों में निकाल कर उसको मैं बाहर कहीं छत पर रख दूँगी। वो कहा जाता है जो भी हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए निकाला जाता है। तो ये हमारा यहाँ पूजा अब कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद मैं ये आपको दोपहर 3 बजे का ये क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर हवा चल रही थी और अचानक आंधी सी आ गई थी, मौसम इतना अच्छा आ गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सा बाहर निकल के शूट कर लिया था गेट से ही, और ये देखिए बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, और इसके बाद बारिश भी आई थी, और जिस समय बारिश हो रही है तो उसी समय मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये लास्ट में क्लिप डाला है। और अब मैं
अभी मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाल पाई थी। कभी कभी ना पता नहीं क्या होता है कि शूट भी कर लेते हैं तो एडिटिंग नहीं कर किसी कारण नहीं कर पाई तो नहीं डाल पाते हैं। और कल तो खैर मैंने शूट ही नहीं किया था। ये देखिए हवा जो इतनी अच्छी चल रही है, बच्चे भी अभी निकल गए खेलने के लिए घर से। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।